अरे जल्दी जल्दी आलू कर दो। हाँ साहब जी। साहब जी एक और साहब आते हैं थाने से। अरे मुंह मत चला, जल्दी से कर, मैं लेट हो रहा हूँ। ठीक है साहब जी। कहानी बता रहा था, वो पैसे नहीं देखे गए ना हमारे। अरे सुन, अभी मुझे आलू नहीं चाहिए, मैं ना थाने जा रहा हूँ किसी काम से, तुझसे ना लौट के सब्जी लेता हूँ मैं, ठीक है? अरे साहब जी आलू हो चुके हैं, आप वो पकड़ के लेके जाने लीजिए। तेरे समझ नहीं आ रहा क्या, थाने में लेके जाऊंगा ये आलू बालू, चल निकल। क्या चल रहा है यहाँ पे? और तुम कौन से थाने से? सर मैं वो वाटरॉक्स से। वाटरॉक्स थाने से हो? मैंने तुम्हारे नाम की कोई पोस्टिंग देखी नहीं वहाँ पे। सर मैं अभी नया आया हूँ वहाँ पर। आईडी कार्ड दिखाओ। सर आईडी कार्ड तो ऑफिस में ही है अभी। ऑफिस से मंगाओ वरना पीसीआर खड़ी है पीछे। सर कैसी बात कर रहे हैं सर, अभी मंगवा देता हूँ ना, थोड़ी देर वेट करिए, मैं खुद लेके आता हूँ अभी। और तू कौन से थाने से है? मैं किसी थाने से नहीं हूँ भाई, मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग मुझे पकड़ के लाए क्यों? क्योंकि तूने चोरी करी है यहाँ पर, इसलिए हम तुझे पकड़ के यहाँ पर लेके आए हैं। चोरी? कैसी चोरी? अच्छा मैडम को इतनी जल्दी भूलने की बीमारी भी है। पता है भैया, जब ये पुलिस वाले भैया आपको यहाँ पर बातों में लगा के बिजी करके रखे थे ना, तब ये मैडम नीचे लेके ना थैला लेके बैठी थी, और ये भैया कहती थी ना केले काटते जा रहे थे, देखो आपके सारे केले गायब हो गए। अरे मेरे केले कहाँ गए? अबे तेरे एक थप्पड़ दूंगा ना, कौन से केले? और मैंने तो कोई भी केला नहीं काटा। और ये कौन है? मैडम आपको ना गलतफहमी हो रही है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। ए, एक आईपीएस के सामने तू किस तरीके से बात कर रहा है? सर वो गलत बोल रहा है, इस वजह से मेरे को इस तरीके से बात करना पड़ा, मैंने कुछ किया ही नहीं है तो मैं। अच्छा तुमने कुछ नहीं किया है? एक बात बता दूं, जब तुम ये सारी काली करतूतें अपनी कर रहे थे ना, तब मैं सामने वाली ना गाड़ी पे ही खड़ी हुई थी, और ये करती हुए ना मैंने तुम्हारी पूरी वीडियो रिकॉर्ड करी है, समझे तुम? हाँ यार मैं आ जाऊंगी। यार एक मिनट रुकी हो, मैं बाद में बात करती हूँ तुझसे। अरे ये पुलिस वाला क्या कर रहा है? अरे ये लड़की, ये तो कैंची से उसके सारे केले काटे जा रहा है, लड़की उसको खट्टा कर रही है एक कट्टे के अंदर, तो वीडियो बनानी पड़ेगी, ये लोग तो फ्रॉड कर रहे हैं इसके संग में। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये कोई असली पुलिस नहीं है, मेरे को ना पुलिस को फोन करना पड़ेगा, वो ही पता लगाएगी कि आखिरकार माजरा क्या है। पुलिस स्टेशन? सर आप ना जल्दी से ना गोकुल नगर सोसाइटी में आ जाइए। सर यहाँ पर ना एक खोखे में ना सब्जी वाला अपना ढेरी लगाता है, और वहाँ पर एक पुलिस वाला और एक लड़की उसके केले चोरी कर रहे हैं। जी सर प्लीज जल्दी आइए। ओके थैंक यू। ये रही तुम्हारी वीडियो कि किस तरीके से ना ये मैडम ये कट्टा लेकर नीचे बैठी हुई थी और तुम ऊपर से केले काट रहे थे। मैम मैं आपको सब कुछ सच बताती हूँ, ये कोई पुलिस वाला नहीं है, इसके कपड़े हैं ना सारे फाड़े के, और ये मेरे को यहाँ पर लेकर आया था 1000 रुपए दिन पे चोरी करने के लिए। इसने मुझे बोला था कि तुम कुछ टाइम मेरे साथ में ना चोरी करो तो मैं पैसे कमवा दूंगा, उसके बाद में तुम्हारी मर्जी, मेरे साथ काम करना है। इसने मुझे लालच दिया था मैम, मैं तो नौकरी मांगने आई थी इसके पास। बस बोल लिया जो कुछ भी बोलना था तुझे, अब मैं भी पकड़ा जाऊंगा साथ में तू भी पकड़ी जाएगी। अब बोल ले और बता दे जो भी तेरे को बताना है, दोनों को सजा मिलेगी। पकड़े तो तुम जाओगे ही ना, क्योंकि इतना घटिया काम एक पुलिस वाला तो कर नहीं सकता, वो भी इतनी बड़ी रैंक पर बैठकर। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, तुम लोग पुलिस की ड्रेस का इतना गंदा मिसयूज कर रहे हो। क्यों तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे 200-300 के लालच के चक्कर में पुलिस प्रशासन का कितना नाम गिरेगा? सॉरी सर, आपको ये 200-300 लग रहा है, ये दिन में ऐसे ना बहुत जगहों पे जाके चोरी करता है, ये बहुत कमाता गरीबों का हक मार मार के। ये लीजिए सर मुझे माफ कर दीजिए, मेरा पहला दिन था, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। अच्छा तेरा पहला दिन था कि आखिरी दिन था उससे मतलब नहीं है, मतलब इससे है कि तूने इसका चोरी में साथ दिया और तू भी बचेगी नहीं, तुम दोनों जाओगे यहाँ से सीधे जेल। सर मुझे माफ कर दीजिए ना प्लीज, मेरी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। मैम आप समझाइए ना सर को। मैं क्या समझाऊँ, मैं अपनी जिंदगी की पड़ी है, कभी तुमने ये सोचा है कि ये बंदा जब इस खोखे पे बैठा हुआ है और ये सब्जी का ढेरी लगा रहा है तो उसको क्या बचता होगा? नहीं सोचा ना तुमने कि वो यहाँ से क्या बचा के लेके जाएगा और क्या अपने घर वालों को खिलाएगा, और उस बीच में तुम जैसे घटिया लोग आ जाते हैं और उनकी चोरी करके ले जाते हैं। आप ना इन लोगों को छोड़िएगा तो नहीं, मैं आपको ना प्रूफ के तौर पे ना इनकी पूरी वीडियो देती हूँ, इनको ना लंबा जेल में डलवाइएगा। पता नहीं कब से ये लोग कर रहे होंगे ये सारा कांड, और इस लड़की ने तो बोल भी दिया कि दिन में ऐसी 6 से 7 चोरी करते हैं ये। मैडम आप टेंशन मत लो, मैंने इतना लंबा भेजूंगा ना जेल में कि जब भी ये बाहर निकलेंगे ना वहाँ से सुधर के निकलेंगे, वो तो सही वक्त पे आपने मुझे इन्फॉर्म कर दिया, वरना तो ये इस बार भी कामयाब हो जाते अपनी चोरी में, पर ये सब अब और नहीं होगा, अब देखते जाओ तुम लोगों को मैं कहाँ पहुँचाता हूँ, चलो ऐसे। अरे साहब ये साहब तो मेरी दुकान पर रोज आया करते थे, और इनके जाते ही ना यहाँ से कुछ गायब हो जाता था, मुझे तो लगता था कि ये पुलिस की ड्रेस में आते हैं, क्या ही बोलूँ, शायद कोई गाय वगैरह खा जाती होगी, लेकिन इनको शर्म आनी चाहिए। साहब मैं 2 वक्त की रोटी के लिए यहाँ पे बैठता हूँ और आप लोग मेरी चोरी करने बैठे। और मेम साहब आप क्या बोल रही थी कि जेल में जाने के बाद आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी? मेम साहब मेरे घर पे ना 4 जिंदगियां हैं और मैं अकेला संभाल रहा हूँ उन्हें, उनका क्या होता, तो वो क्या ही समझाऊँ साहब।
सब अब इनको लेके जाइए और इतनी कड़ी सजा दीजिए ना इनकी सारी अकल ठिकाने आ जाए। चलो ऐसे